नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार आ रही नकारात्मक खबरों से जीवन हिलसा गया है। कोरोना से दूषित इस वातावरण में कुछ खबरें दिल को सुकून देने वाली भी हैं। ऐसे ही एक खबर विश्व प्रसिद्ध धाम कल्याण जी की नगरी डिग्गी से है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोविड-19 के चलते इस समय जहां कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहा, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता, ऐसे में धर्म नगरी डिग्गी से बजरंग दल के युवाओं ने सामाजिक सेवा का बेड़ा उठाया है। 10 युवाओं की यह टीम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रही है। अपने कंधों पर 15 लीटर की मशीन लिए यह टीम अब तक 50 से अधिक स्थानों पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर चुकी है, जिसमें कल्याण जी के मंदिर के साथ साथ नगर के आसपास ढाणियों के 20 से 25 मंदिरों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर चुकी है। इसी के साथ ही लवि शर्मा ने बताया है कि ये टीम लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी करती है। मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाने की लगातार अपील कर रही है। लवि शर्मा, सचिन सोनी, मुकेश सोनी, जयेश गौतम, दिमांशु पाराशर, कमल जैन, विजय शंकर शर्मा की टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की डिग्गी के नागरिकों ने बहुत प्रशंसा की। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जोश से भरपूर युवाओं की ये टीम इस कहावत को काफी चरितार्थ कर रही है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।